अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है टमाटे की कड़ी। सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर लेंगे। मैंने 1.5 किलो टमाटर लिया है और मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3-4 लहसुन की कलियाँ। और सूखे मसाले में मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी लिया है और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इमली ली हूँ 10 ग्राम। अगर आपको ज़्यादा खट्टा या कम खट्टा चाहिए तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं इमली। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने ड्रमस्टिक्स लिया है 1.5 किलो। अगर आपको ड्रमस्टिक्स के अलावा कुछ और डालना है तो आप भिंडी या फिर बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है कड़ी पत्ता, 2-3 हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इमली को धोकर आधा ग्लास पानी में भिगोने रख दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। मैंने इस चम्मच का इस्तेमाल किया है तेल डालने के लिए। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो अब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा और लहसुन है। और हम थोड़े कड़ी पत्ता भी ऐड कर लेंगे। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर लेंगे और हम अदरक लहसुन भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सारे हमारे सूखे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 10 से 15 सेकेंड तक भूनेंगे, अदरक लहसुन की रॉ स्मेल जाने तक। देखिए, अभी टमाटे मसालों में अच्छे से मिल चुके हैं और अदरक लहसुन की रॉ स्मेल भी नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट पर हम अपना फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और हम अभी इसे ढककर पकाएंगे, तब तक जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। यहाँ पर इमली का पल्प है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। तो चलिए अभी टमाटे की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। टमाटर एकदम टेस्टी और पूरे मसाले के साथ मिल चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम हमारे ड्रमस्टिक्स ऐड कर देंगे। अब हम मसाले को ड्रमस्टिक्स के साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, ड्रमस्टिक पूरे मसालों के साथ मिल चुका है। तो हम यहाँ पर इमली का पल्प लेंगे और अब हम पूरे चीज़ों को साथ में 10 से 15 सेकेंड तक मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक बोल में मैंने बेसन डाला और उसमें पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसन का घोल रेडी हो चुका है। इमली का पल्प डालने के बाद हमने इसे 10 से 15 सेकेंड तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्ट्रेनर की मदद से हमारे बेसन का घोल ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 5 से 10 सेकेंड तक। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे
और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कढ़ी में जोश आ चुका है, तो अब हम इसमें हमारे हरे मसाले ऐड कर लेंगे। अच्छे से इन्हें पकने देना है। अब हम हमारे भुने हुए ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। और हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक कर पकाएंगे 10 सेकेंड। फ्लेम भी लो कर देंगे। तो 10 सेकेंड हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी भी एकदम बन चुकी है, फुल टेस्टी लग रही है। हम अपने ड्रमस्टिक्स को चेक कर लेते हैं, तो ड्रमस्टिक्स भी बहुत नरम हो चुके हैं। तो चलिए मैं भी आपको ये डिश आउट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ी को स्टीम राइस और पापड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।